वेलकम टू नॉलेज अचीवमेंट्स। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे BHU 2020 जियोग्राफी इंट्रेंस पेपर के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद आपको किस टॉपिक पे कितना इम्पोर्टेंस देना है ये आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। और ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखते हो तो 8 या 10 क्वेश्चन आपको कॉमन भी आ जाएगा। एंड आपको ये क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पर बोल दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेज दूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। हियर क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स जनरली फ्लो। हियर ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम जनरली फ्लो अपोजिट टू द कंसिक्वेंट स्ट्रीम। ये क्वेश्चन आपको ड्रेनेज पैटर्न एंड ड्रेनेज सिस्टम से आया है, जियोमॉर्फोलॉजी से। ये आप अच्छी तरह से देख लेना क्योंकि यहाँ से एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द ग्रेट लेक रीजियन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रेट लेक्स रीजियन है ना, वो फेमस है आयरन ओरे के लिए, तो इसका आंसर होगा आयरन ओरे। ओके क्वेश्चन नंबर 3, द पेस्टोरल नोमैड्स ऑफ द यूरेशियन स्टेप्स आर, इसका आंसर होगा किर्गिज। ये क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से आया है और जो वर्ल्ड ट्राइब्स ग्रुप्स है वो आप लोगों को अच्छे से देखना होगा, जैसे पिग्मी। ओके देखना होगा क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं ऐसे वर्ल्ड टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड। यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास पे हम लोग रिड्यूस बियरिंग जो टर्म है ना ये यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, चेंजिंग ओन एक्टिविटीज बाई ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू द गिविन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। ओके क्वेश्चन नंबर 6, इफ द एलिवेशन ऑफ द सन डिक्लाइंस द एल्बेडो विल इंक्रीज, इसका आंसर होगा इंक्रीज। ये क्वेश्चन आपको क्लाइमेटोलॉजी से मिल जाएगा, ठीक है। अगर सन का एलिवेशन इंक्रीज होता है तो एल्बेडो डिक्रीज होता है, या पे क्या बोलते हैं इसको, इनवर्स रिलेशनशिप होता है सन एंड एल्बेडो के बारे में, मतलब क्या बोलते हैं इसको, सन एंड एल्बेडो के बिटवीन जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन ट्राई सेलुलर मॉडल ऑफ एटमोस्फियरिक सर्कुलेशन द मिड लैटिट्यूड रीजियन इज कवर्ड बाय, इसका आंसर होगा फेरल सेल। ये क्वेश्चन आपको क्लाइमेटोलॉजी से मिल जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, रियो ग्रैंडे रिवर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, रियो ग्रैंडे रिवर ये जो बाउंड्री क्रिएट किया है वो USA एंड मेक्सिको के बिटवीन है। और आप लोगों को अच्छे से देखना होगा, मतलब दोनों कंट्री के मतलब मिडिल में कौन सा मतलब डिवाइडर है, जैसे लाइक आप चाइना एंड इंडिया के बारे में देख सकते हैं, चाइना एंड इंडिया के क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडर कौन है, हिमालय है ना, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को ख्याल रखना होगा, क्या देखना पड़ेगा ऐसे वर्ल्ड जियोग्राफी पोर्शन आप जब पढ़ेंगे तो ऐसे देख लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया, इसका आंसर होगा मराठी। तो ये आप लोगों को इंडियन लैंग्वेज के बारे में जानना पड़ेगा। 2011 अगर सेंसस आप लोग देख लेते हैं तो अच्छे रहेगा ना। ओके क्वेश्चन नंबर 10, द नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोशन वाज प्रोपाउंडेड फॉर व्हिच रीजियन, इसका आंसर होगा फ्लूवियल रीजियन। ओके क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांटेशन क्रॉप, इसका आंसर क्या होगा, टी कॉफी कोका, ये सब कुछ प्लांटेशन क्रॉप है बट जो कॉटन है ना ये प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। ओके
क्वेश्चन नंबर 12, मेसोसेफालिक पीपल माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम, इसका आंसर होगा ईरानियन प्लेटो। अब लोगों को रेस के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि रेस से भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द ग्रेट बैरियर रीफ इज मेनली मेड ऑफ, हम लोग सब भी जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ मेनली मेड ऑफ कोरल्स। क्वेश्चन नंबर 14, इन कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज रिप्रेजेंटेड सी एस, आंसर होगा सी एस। आपको क्लोपेन एंड जो थ्रॉन्टेट का क्लासिफिकेशन है ना वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु यूज प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस एंड थर्मल एफिशियंसी एज द बेसिस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, इसका आंसर होगा क्या, थ्रॉन्टेट ने किया था इसे। क्वेश्चन नंबर 16, हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जानते हैं हैरी हेस 1960 में दिया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का। नेक्स्ट, सरफेस ओशन करेंट्स ड्राइव देयर एनर्जी फ्रॉम, इसका आंसर क्या होगा, विंड। क्वेश्चन नंबर 18, द अनसॉर्टेड डिट्रिटस डिपोजिटेड एट द बेस ऑफ ए क्लिप इज कॉल्ड कलोबियम, इसको हम लोग कलोबियम कहते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसिस सोशल स्ट्रक्चर इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेशियल पैटर्न, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल जियोग्राफी। आप लोगों को सब कुछ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लाइक एज ह्यूमनिस्टिक जियोग्राफी, वेलफेयर जियोग्राफी, रेडिकल जियोग्राफी एंड बिहेवियरल जियोग्राफी, सबके बारे में अच्छे से नॉलेज रखना होगा और सबका डिफिनेशन तो मस्ट आप लोगों को जानना ही पड़ेगा। तो ये चार से मतलब क्वेश्चन आता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन द ईयर 2011 द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन द वर्ल्ड वाज 52.1%, इसका आंसर है 52.1%। क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी, इसका आंसर क्या होगा, मूसी। मूसी किसका ट्रिब्यूटरी है, कावेरी का, सॉरी कृष्णा का। क्वेश्चन नंबर 22, ए न्यूट्रल एंड रिलेटिवली स्मॉलर कंट्री लाइंग बिटवीन मोर पावरफुल नेबर्स इज नोन एज बफर स्टेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बफर स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 23, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉनर्वेशन वॉज प्रपोज बाय, कॉनर्वेशन किसने दिया था कॉन्सेप्ट, पैट्रिक्स गेडिक्स जी ने दिया था। ये आपको सेटलमेंट जियोग्राफी से अच्छे से मिल जाएगा और आप लोग सेटलमेंट जियोग्राफी अच्छे से पढ़ लेना, और ये क्वेश्चन आपको मेनली जो अर्बन जियोग्राफी है ना वहाँ से आया है, ठीक है। 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर मेल माइग्रेशन इन इंडिया, ये आप लोगों को सब क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज के बेसिस पे दिया है, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, मेल पॉपुलेशन किस लिए मतलब माइग्रेट करते हैं, मेल पॉपुलेशन क्या करते हैं, गांव से शहर जाते हैं, ठीक है, तो किस लिए जाते हैं वो लोग, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। ये तो हम लोग देखता ही होगा, अगर कोई लड़का लड़की गाँव से बिलोंग करती है तो उसको अच्छे से पता होगा कि वो लोग क्या क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रही है ना, ओके। नेक्स्ट, 25, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे ऑप्शन दिया है जॉर्डन, सीरिया, इजराइल, लेबनान, ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा जॉर्डन। जॉर्डन का किसी भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी भी साइट मेडिटेरेनियन सी के तरफ ओपन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, टू व्हिच रेसियल ग्रुप द एस्किमोस बिलोंग टू, एस्किमो किस ग्रुप से बिलोंग करती है, मंगोलॉइड्स। और क्या बोला था मैंने कि आप लोगों को रेस अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच टाइप ऑफ कोल इज लार्जली यूज्ड इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया, इसका आंसर होगा बिटुमिनस, ओके। 28, इम्फाल बेसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लक्सटीन प्लेन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीट हो सकता है।
29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव रिमोट सेंसिंग, इसका आंसर होगा रेडार, हम लोग जानते हैं रेडार इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 30, हैरिकेन कैरीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीफोर्ट नंबर, इसका आंसर होगा 12। और बीफोर्ट स्केल जो है ना, ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, 1 से 12 तक आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा, ये बीफोर्ट स्केल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओके। 31, द स्केल ऑफ ए मैप इज 1 इंच इज टू 2.5 माइल्स, व्हाट विल बी इट्स आरएफ, ओके। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, सेमी से किलोमीटर पे कन्वर्ट करना जानते हैं, ठीक है, बट इसको क्या करना होगा, 1 इंच मतलब 1 माइल्स इक्वल टू कितने इंच, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही कैलकुलेशन करना, ओके। तो आप लोगों को ये अच्छे से देख कर आना होगा, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ओके। 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, तो प्रॉपर्टी इंडेक्स क्या क्या है यहाँ पे, हेल्थ एडुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ओके, ये तीनों ही है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल द 3 आर करेक्ट, ओके। नेक्स्ट 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बायोडायवर्सिटी रिच रीजन इन इंडिया, ओके, इसका आंसर क्या होगा, वेस्टर्न घाट, ओके, वेस्टर्न घाट इज द मोस्ट बायोडायवर्सिटी रिच रीजन इन इंडिया, ओके। 34, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू, इसको हम क्या बोलते हैं, 9-10 पढ़ के आए हैं, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सिलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन बाय द एटमोसफियर, ओके, ये क्वेश्चन मेनली आपको क्लाइमेटोलॉजी से मिल जाएगा। 35, द क्लोजेस्ट पोजिशन ऑफ मून विथ अर्थ इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, पेरिजी, और इसका ऑपोजिट को क्या कहते हैं, एपोजी, ओके, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन का पढ़ लेना चाहिए 2-3 बार, ठीक है, कि क्या बोलना क्या चाह रही है, ठीक है, क्लोजेस्ट पॉइंट या फार्देस्ट पॉइंट पोजिशन, ओके, ठीक है। 36, वेयर आर द टायर्स बोर्ड इज कॉमनली फाउंड, इसका क्या आंसर होगा, एसुएड्स में। 37, द अरेबिया एंड रोबस्टा आर द वेराइटीज ऑफ अरेबिया एंड रोबस्टा, क्या है ये, कॉफी है, ओके। 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन केमिकल वेदरिंग नहीं है, ये नॉट नॉट आप लोगों को ठीक से पता होना चाहिए, ठीक है, नॉट क्या कहाँ कहाँ पे है ये आप लोगों को जानना पड़ेगा, ठीक है, पहले, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इंसुलेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन कार्बोनेशन एंड सॉल्यूशन ये तीनों ही केमिकल वेदरिंग का पार्ट है, ठीक है, बट इंसुलेशन ये फिजिकल वेदरिंग का पार्ट है, ठीक है, तो आप वेदरिंग को भी अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर, इसका आंसर क्या होगा, यमुना, ठीक है, और हाँ, रिवर को भी आप इंडियन रिवर जो है ना वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आता है, ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवर ऑफ इंडिया, ओके। 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द आइडियल हिल स्लोप प्रोफाइल ऑफ एलसी किंग, एट फर्स्ट क्या है, ट्रिस्ट देन स्क्रैप देन डेब्रिस स्लोप देन पेडिमेंट, क्वेश्चन आंसर नंबर 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, मुरीबंद डेल्टा इज ए सब डिविजन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा, इसका आंसर क्या होगा, गंगा डेल्टा। मुरीबंद डेल्टा को हम लोग मतलब क्या है ये, मुरीबंद डेल्टा ये है जो जिसका मतलब क्या बोलते हैं, डेल्टा जो क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा गठनकारी जो प्रक्रिया है ना वह भी समाप्त हो गई है, मतलब वो कंप्लीट हो गया डेल्टा गठन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुरीबंद डेल्टा, ठीक है, इसको हम लोग कहाँ पे देखते हैं, ये गंगा पे, ठीक है, गंगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 42, ये क्वेश्चन आपको मेनली जियोग्राफिकल थॉट से आया है, ठीक है, ये मैचिंग करना पड़ेगा, ये 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जियोग्राफिकल थॉट से, तो थॉट भी आप अच्छे से अच्छे पढ़ लेना, ठीक है, जैसे टेलोलॉजी ये किसने दिया था, कार्ल लिटर ने, ठीक है, सिस्टमेटिक जियोग्राफी ये किसने दिया था, हम्बल्ट ने, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ये किसने दिया था,
ग्रिफिथ टेलर ने एंड प्रोबाबिलिज्म एक किसने दिया था? ओके इट्स स्पेट ने। ओके नेक्स्ट, लॉरेंस कर्व इज यूज टू मेजर, इसका आंसर क्या होगा? स्पेशियल इनइक्वालिटी। ओके क्वेश्चन नंबर 44, टेफ्रा इज द, टेफ्रा क्या है? वॉल्केनिक रॉक फ्रैगमेंट्स। ओके क्वेश्चन नंबर 45, हाउ मेनी ग्रेट सर्कल्स कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब, क्या होगा इसका आंसर? इननंबरेबल, मतलब हम लोग जितना चाहे उतना ड्रॉ कर सकते हैं एक ग्लोब पे, ठीक है। द 46, द विदेस्ट कॉन्टिनेंटल सेल्फ इज फाउंड इन, कहाँ पे देखा जाता है? विदेस्ट मतलब क्या बोलते हो, विदेस्ट कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहाँ पे देखा जाता है? आर्कटिक ओशन में। क्वेश्चन नंबर 47, द सब्सिडेंस थियोरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ए सब्सिडेंस थियोरी किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन जी ने, तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। ओके क्वेश्चन नंबर 48, द रिमलैंड थियोरी वॉज गिवन बाय, यार रिमलैंड थियोरी किसने दिया था? स्पाइकमैन जी ने। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हार्टलैंड थियोरी किसने दिया था? हार्टलैंड थियोरी मैककाइंडर जी ने दिया था, हार्टलैंड थियोरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हु प्रोपाउंडेड ऑप्टिमम पॉपुलेशन मॉडल, ऑप्टिमम पॉपुलेशन मॉडल किसने दिया था? कार्ल सॉन्डर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन, हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इंडियन अर्बनाइजेशन, यहाँ पर क्या बोला है कि इंडियन अर्बनाइजेशन के बारे में कौन कौन स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक एक ये क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल नंबर ऑफ टाउन्स आर मोर देन 7000। ओके और बी, टाउन्स विथ पॉपुलेशन अबव 1 लाख पर्सन्स आर नोन एज क्लास 1 टाउन्स। ओके नेक्स्ट सी, 17% ऑफ इंडियन अर्बन पॉपुलेशन लाइव्स इन स्लम, और डी, बिहार इज हाईली अर्बनाइज्ड स्टेट। ओके तो ऑप्शन नंबर एक ए में क्या बोला है कि 2011 में इंडिया का टोटल जो टाउन का मतलब क्या बोलते हैं संख्या है, ठीक है, वो 7000 से अधिक है, ये क्या है, ऐसे ही है, ठीक है। टाउन्स विथ पॉपुलेशन अबव 1 लाख पर्सन्स आर नोन एज क्लास वन टाउन्स। ओके ये भी सही है, ठीक है। 17% ऑफ द इंडियन अर्बन पॉपुलेशन लाइव्स इन स्लम, ये भी सही है। आप लोग अगर शहर में देखते हैं तो वहाँ पे जो स्लम होता है ना, वो छोटा छोटा एरिया में होता है, बट वहाँ पे क्या बोलते हैं, बहुत ही डेंसिटी हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन का, ठीक है, मतलब छोटा जगह पे अधिक संख्यक लोग रहती है, ठीक है। हम लोग मुंबई से देख लेते हैं तो वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, स्लम बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। और डी में क्या बोला है, बिहार इज द हाईली अर्बनाइज स्टेट, ओके ये बात सही नहीं है, बिहार हाईली अर्बनाइज स्टेट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी, इसको तो इसका आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। नेक्स्ट 51, एग्जाम्पल ऑफ ए डोमिनेंट जायद क्रॉप इज नॉर्दर्न इंडिया इज, नॉर्दर्न इंडिया में मेनली जायद क्रॉप क्या है? मास्क मिलन, जिसको आप लोग खरबूज कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, लैटराइज्ड आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू डीप वेदरिंग ऑफ सॉइल इन व्हिच रीजन, इसका आंसर क्या होगा? ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन, इसलिए तो हम लोगों को कर्नाटक तमिलनाडु, ठीक है ना, यहाँ पे मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे लैटराइज्ड सॉइल हम लोगों को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, द आरएफ ऑफ 4 मैप्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द मैप्स हैज द स्मॉलेस्ट स्केल, तो यहाँ पे क्या देखना होगा, ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, 1:40,000, ऑप्शन नंबर 2 1:250,000 एंड ऑप्शन 3 1:1 लाख एंड ऑप्शन नंबर 4 1:60,000। ओके यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्केल कौन है जिसका आरएफ मतलब क्या बोलते हैं उसका बड़ा होगा, उसका स्मॉलेस्ट स्केल बोलते हैं, जैसे इसका आंसर क्या होगा, 1:2 2,50,000 इसका आंसर। ओके
तो जो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको टोपोसिट से आया है, तो वो पोर्शन भी आप लोग अच्छे से देख लेना, खास करके जो टोपोसिट का जो स्केल है उसको भी देख लेना, ठीक है। डिग्री सीट, मिलियन सीट, ओके, ऐसे इंची सीट ऐसे भी देख लेना, उसका आरएफ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, एज पार्सन सॉरी 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 एज पार द नोन ओल्डेस्ट रॉक ऑन अर्थ, द प्लैनेट्स एज इज एस्टिमेटेड टू बी, अर्थ का एज क्या है, ठीक है, 4 to 5 बिलियंस ईयर, ओके। क्वेश्चन नंबर 55, ये क्या है, मैचिंग दिया है थोड़ा, ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, आयरन ओरे कहाँ से अधिक मिलता है, ठीक है, तो आयरन ओरे कहाँ से अधिक मिलता है, उड़ीसा में, ठीक है। कॉपर कहाँ से अधिक मिलता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, और गोल्ड कहाँ पे मिलता है, कर्नाटका, ठीक है, जिप्सम कहाँ से मिलता है, राजस्थान में, ठीक है। कर्नाटका का जो मतलब क्या बोलते हैं, माइनिंग सेंटर, उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कोलार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, जियोग्राफी एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी वॉज प्रोपाउंडेड बाई, ये किसने बोला था, जियोग्राफी एज स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी, ये बोला था एच एच बैरो ने। क्वेश्चन नंबर 57, नर्मदा, ये भी मैच करना पड़ेगा, नर्मदा नर्मदा किसके साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे नर्मदा मैच हो रहा है कि फ्लोज इन ए रिफ्ट वैली, नर्मदा एंड तापी, इट इज़ द वेस्टर्न क्या बोलते हैं, वेस्टर्न रिवर, ठीक है। तो ये जो नर्मदा एंड ताप्ती, ये रिफ्ट के अलोंग मतलब क्या बोलते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है। कावेरी रिवर, कावेरी रिवर ओरिजिनेट सॉरी कावेरी रिवर इसका किसके साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे कावेरी रिवर फॉर्म्स डेल्टा इन तमिलनाडु, कावेरी रिवर ने तमिलनाडु में डेल्टा क्रिएट किया है, ठीक है। दामोदर, दामोदर के साथ मैच हो रहा है, ओरिजिनेट्स इन छोटनागपुर प्लेटू, दामोदर रिवर छोटनागपुर प्लेटू से ओरिजिनेट्स हुआ है, ठीक है। और डी में क्या है, पेन गंगा, पेन गंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, ये हम लोग सपने जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है, तो आप लोगों को मैं पहले ही बोला था कि रिवर्स ऑफ इंडिया आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से भी मतलब बहुत क्वेश्चंस आते हो गए, ठीक है। 58, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेशंस हैज द हाईएस्ट शेयर इन माइग्रेंट पॉपुलेशन, इसका आंसर क्या होगा, मुंबई। 59, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच, तालचेर सोन वैली ये मैच नहीं कर रहा है, कर्णापुरा गोदावरी वैली ये भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सिंगारनी महानदी वैली ये भी मैच नहीं कर रहा है, झड़िया दामोदर वैली ये मैच कर रहा है, ठीक है। झड़िया कहाँ पे है, झारखंड पे है झड़िया, ठीक है। द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ऑरिजिनेट्स इन द हिमालय एंड जॉइन इट ऑन इट राइट साइड्स इच, इसका आंसर क्या होगा, यमुना होगा, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो पे हम लोग 60 क्वेश्चंस कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छे लगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये अपने दोस्तों को से भी शेयर कर सकती है जो BHU के लिए प्रिपरेशन ले रही है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस आप अच्छे से अच्छे देख लेते हो तो आपको मतलब बहुत ही हेल्प मिलेगा क्रैक करने से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।